हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास थर्ड का साइंस पार्ट 4 पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सजीव वस्तुओं के लिए क्या क्या आवश्यकता होती हैं, तो हम लोग पानी की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है पढ़ लिया था। अब हम आपको बताएंगे कि सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सजीव वस्तु होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? हवा की ज़रूरत होती है। सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है, बिना हवा के उनका जीवित रहना संभव नहीं है। यदि हम थोड़ी देर के लिए अपनी नाक बंद कर लें तो हमें हवा मिलनी बंद हो जाती है, उस समय हम व्याकुल हो जाते हैं। अर्थात जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनको हवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उन्हें हवा की ज़रूरत पड़ती है, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, बिना हवा के जीवित रहना असंभव है। ठीक है, कुछ समय के लिए अगर हम अपने नाक को बंद कर लें तो क्या होगा? हवा मिलना बंद हो जाएगा और उस समय हम क्या होगा? व्याकुलता हमें होगी। ठीक है, इसलिए हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हवा का। सांस द्वारा हम शुद्ध हवा लेते हैं और अशुद्ध हवा को बाहर निकालते हैं। मनुष्यों और पशुओं को यदि हवा न मिले तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम पौधों को ढक दें तो इससे पौधों को हवा नहीं मिल पाएगी और कुछ ही समय में पौधा मुरझा जाएगा। अतः जीवित वस्तुओं के लिए भोजन, हवा तथा पानी अति आवश्यक है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है, सजीव वस्तुओं को हवा की आवश्यकता होती है, बिना हवा के उनका जीवन असंभव है। ठीक है, बिना हवा के उनका जीवन असंभव। यदि हमें हवा न मिले, यदि हम अपने अपनी नाक को बंद कर ले रहे हैं तो क्या होगा कि हमें हवा मिलना बंद हो जाएगा और हमें उस समय व्याकुलता होगी। यदि हम सजीव वस्तुओं को हवा न मिले तो उनका जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हवा का भी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसका होता है? हवा का भी होता है। अगर पौधों को भी ढक दिया जाए, उसमें भी हवा न मिल पाए तो पौधे भी क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। ठीक है, पौधे भी क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। सांस द्वारा हम क्या करते हैं? शुद्ध हवा ग्रहण करते हैं और अशुद्ध हवा बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? शुद्ध हवा अंदर लेते हैं और जो अशुद्ध हवा होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। अतः जीवित वस्तुओं के लिए भोजन, हवा तथा पानी अति आवश्यक है। ठीक है, अतः सजीव वस्तुएं जो भी हैं, हम लोग जो भी हैं सजीव वस्तुएं जितने भी हैं, उन्हें हवा, भोजन, पानी की आवश्यकता है। सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मनुष्यों तथा पशुओं को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलता है। इसी प्रकार पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता सूर्य के प्रकाश की होती है। सूर्य के प्रकाश में ही वे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को न मिले तो उनकी वृद्धि रुक जाती है तथा वे मुरझा जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। मतलब सभी सजीव वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव वस्तुएं उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य तथा पशुओं को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलता है। ठीक है, जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, अथवा जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, उन्हें सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसी प्रकार पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता सूर्य के प्रकाश की होती है। सूर्य के प्रकाश में ही वे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। अर्थात जो होते हैं सजीव वस्तुएं होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, किसका ज़रूरत होता है? प्रकाश की ज़रूरत होता है, जिसकी सहायता से वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अर्थात पौधे में जो भोजन बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है सूर्य के प्रकाश का। ठीक है, यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को न मिले तो उनकी वृद्धि रुक जाती है। यदि सूर्य का प्रकाश पौधों को न मिले तो क्या हो जाएगी? उनकी वृद्धि रुक जाएगी और वो क्या होंगे? मुरझा जाएंगे। ठीक है, सजीव वस्तुएँ गतिशील होती हैं। ठीक है, सजीव वस्तुएँ क्या होती हैं? गतिशील होती हैं। सजीव वस्तुएं गतिशील होती हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, चीता, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं।
मनुष्य और पशु अपने पैरों से चलते हैं। मतलब सजीव वस्तुएं क्या आती हैं, गतिशील होती हैं। मतलब गतिशील का मतलब ये होता है कि वे अपने पैरों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें से मनुष्य हुआ, कुत्ती, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। वे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। जैसे पक्षी हुआ, अपने पैरों अपने पंखों से क्या होते हैं, वे उड़ते हैं, और मनुष्य अपने पैरों से चलते हैं, ठीक है। मतलब गतिशील वस्तु जो भी जीव जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब क्या है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। वह अपने एक स्थान पर ही स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में स्थित रहते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अर्थात पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब है सजीव वस्तुएं अपनी रक्षा के लिए सजग होती हैं। मतलब सजीव वस्तुएं जो होती हैं अपनी रक्षा के लिए तत्पर होती हैं। यदि हमारा नंगा पैर किसी नुकीले पत्थर पर पड़ जाता है तो हम तुरंत अपने पैर को हटा लेते हैं। अनजाने में ही कोई गर्म वस्तु हमारे हाथ से छू जाती है तो हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है। आँख में धूल के कारण पड़ने की संभावना मात्र से ही आँख की पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। यदि कोई आँखों पर टॉर्च की रोशनी डालता है तो आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, ठीक है। मतलब क्या होती है, जो सजीव वस्तु होती हैं वो अपने रक्षा के लिए सजग होती हैं, तत्पर होती हैं। जैसे यदि हमारा जो पैर है किसी पत्थर पे या कांटे पे पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से अपना पैर तुरंत हटा लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे पत्थर की वजह से हमें दर्द हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से अपना पैर हटा लेते हैं। फिर आँख हुआ, आँख में अगर मिट्टी पड़ने वाली है तो तुरंत हमारी पलकें क्या होती हैं, झुक जाती हैं, जिससे हमारी आँखों में मिट्टी नहीं पड़ पाती हैं। यदि हम अपने कोई गर्म वस्तु है, अगर उस गर्म वस्तु को हम टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो क्या होता है, हम उसे तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो अपनी रक्षा के लिए तत्पर होती हैं। मतलब वो हमें पता होता है कि जो सजीव वस्तु होती है उन्हें पता होता है कि हम ये वस्तु छुएंगे या कोई भी वस्तु छुएंगे इससे हमारा नुकसान है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से अपना जो भी होता है उसको हम हटा लेते हैं। फिर है वर्षा ऋतु में मिट्टी में केंचुए बहुत दिखाई देते हैं। एक केंचुए को उठाकर कागज़ पे रखते हैं और जैसे ही इसके पास गर्म छड़ ले जाते हैं तो वो अपने शरीर को सिकोड़ कर हट जाता है। पानी में रहने वाले घोंघे को बाहर निकाल कर उसके समीप गर्म छड़ ले जाने पर वो भी अपने शरीर को सिकोड़ लेता है और अपने पूरे शरीर को खोल के भीतर कर लेता है। मतलब वर्षा ऋतु में केंचुए बहुत दिखाई देते हैं, ठीक है। और केंचुओं को उठाकर हम क्या करें, एक पेज पे रख लें और उस केंचुए के पास हम क्या ले जाएं, एक गर्म छड़ ले जाएं, तो क्या करेगा वो केंचुआ, अपने शरीर को सिकोड़ लेगा, क्योंकि वो उसे पता एहसास हो जाता है कि ये चीज़ गर्म है और इस चीज़ के संपर्क में आने से मेरा नुकसान होगा, इसलिए वो क्या करता है, अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। सेम ऐसे ही अगर घोंघा है तो घोंघे को भी हम ऐसे ही किसी पेपर पर रख कर वहाँ पर भी गर्म छड़ ले जाएं तो भी क्या करेगा, अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, ठीक है। अपने शरीर को क्या करता है, वो सिकोड़ कर हट जाता है और अपने शरीर को खोल के भीतर, जो घोंघे में खोल होता है वो अपने शरीर को उसके अंदर कर लेता है। इस प्रकार हमने देखा कि हर जीवित वस्तु अपनी रक्षा के लिए सजग रहती और प्रतिरोध करती हैं। छुई मुई पेड़ की पत्तियों को छूने से क्या होता है, उनकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी सजीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, अपने रक्षा के लिए सजग होती हैं और प्रतिरोध भी करती हैं। जैसे छुई मुई का पेड़ है, उसकी पत्तियों को हम छूने से क्या होता है, वह पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं ना। इसी प्रकार से जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वह अपने रक्षा के लिए सजग होती हैं और उनका प्रतिरोध भी करती हैं।